अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप लोग पहले की तरह बिल्कुल खैरियत होंगे। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो आज जैसे कि आप लोगों को पता है कि कल मैं आया हुआ था अपने कल से मैं आया हुआ था अपने मामू के घर, तो अभी भी मैं वहीं हूँ। नीचे उतरा हूँ, अपने कज़नों को चीज़ दिलवाने उतरा था मेरा भाई और मैं। तो ये मेरे कज़न है, इन दोनों को चीज़ दिलवाने उतरा था। चलते हैं चीज़ वाले की दुकान पे, वहाँ से चीज़ लेते हैं, फिर डायरेक्ट निकलते हैं थोड़ा ऊपर। अंदर कौन सी हरकतें कर लो, लगभग जाएगी, नीचे उतर जाओ। फाइनली चीज़ वाले की दुकान पर पहुँच चुके, अब चीज़ लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं डायरेक्ट। आए थे यहाँ पे तो पूरी फौज जमा हो चुकी है, ये देख लो पूरी फौज जमा हो गई यहाँ पे। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो आप लोग सोच रहे होंगे मैं वापसी ब्लॉग में आपका वेलकम क्यों कर रहा हूँ, और ये मेरे अचानक से कपड़े चेंज कैसे हो गए। और इससे पहले जो आपने थोड़ी सी वीडियो देखी है वो मैंने बनाई थी, जैसे आप जानते हैं कि मैं गई हुआ था अपने मामू के घर, वो मैंने वहाँ बनाई थी। तो पहले तो मैं आप लोगों से सॉरी करता हूँ, लोग लेट आने की वजह से। मसला ये था कि उस दिन मुझे मामू के घर पर बुखार हो गया था, और थी भी सर्दियों के दिन, तो रात में हम लोग लेट आए थे। एक तो नीचे वाले घर में काम चल रहा है, आवाज़ के कारण आवाज़ थोड़ी सी स्लो रह गई, तो चला लेना, मसला नहीं। हम लोग सोच रहे होंगे मैं कमरे से बाहर से निकल के आ गया, हमारे घर की लाइट चली गई है, देख लो पूरा अंधेरा हो गया, इस वक्त लाइट चली गई है। अब लाइट थोड़ी देर बाहर आएगी, इसकी वजह से मैं बाहर आ गया। तो कह मैं ये रहा था कि मुझे उस दिन बुखार हो गया था, हम लोग रात में भी वहाँ से लेट नाइट आए थे, जिसकी वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना सका था। घर से आने के बाद भी मुझे एक दो दिन तक बुखार रहा था, जिसकी वजह से ब्लॉग नहीं आ रहे थे। और दूसरी बात ये, फिर मैंने स्कूल के 9th क्लास के एग्जाम शुरू हो गए थे, तो मैं एग्ज़ाम की तैयारी में लग गया था, अभी भी एग्ज़ाम चल रहा है। तो ऐसे मैं दुकान भी नहीं जाना था, तो अभी मैं जा रहा हूँ मार्केट में। मेरे एक चाचा है, उन्होंने अपना मोबाइल बिल्कुल सही करवाने के लिए सोनी का मोबाइल ठीक करवाने जा रहा हूँ। 3 दिन पहले से उन्होंने दिया हुआ, मैंने बोला करवा दूँगा, कल भी उनको फोन आया, कल तो मैंने उनको टोपी दे दी, लेकिन आज मुझे घर आना था, उनका मोबाइल सही करवाना है, तो बस मैं जा रहा हूँ। एक तो नीचे काम हो रहा है तोतों की वजह से, ना इतना शोर आ रहा है, चुप नहीं हो सकते तुम लोग, चुप, हाँ बात माना करो, अब कुछ नहीं बोलना, फिर इनको भी चुप करवा लेंगे, लेकिन नीचे वाले घर में भी तो काम हो रहा है। मोबाइलों का इसकी बैटरी भी ख़राब हो गई है, और पैनल भी ये लगवाने जा रहा हूँ मैं भी। वैसे तो मैंने दुकान से छुट्टियाँ ली हुई, लेकिन ये काम आ गया, इसकी वजह से जाना पड़ रहा है, तो अब बिना दिल लगाए बस निकल लूँ। पहुँच चुके फाइनली, और डर मुझे इस बात के दुकान के बंदे मुझे ना देख लें, वरना वो पकड़ के दुकान में बिठा लेंगे। वरना आप लोग भी मोबाइल का पैनल जल्दी से मिल जाए, ताकि हम लोग लगवा के फौरन निकलें वापस घर के लिए। गाइस एक जगह से पैनल पूछा, लेकिन वो पैसे ज़्यादा बोल रहे हैं, अब तो और पूछते हैं, और इसकी बैटरी भी लेनी है। मोबाइल ये दे दिया है, इसका जैक भी ख़राब था, तो जैक लगने के लिए अब इसके LCD निकल ली है मशीन से। किस तरह की मशीन है समझ में नहीं आ रहा।
गाइस यहाँ मैं जैक लगवाने के लिए रुका हुआ हूँ। ये वो दुकान है, अंकल मोबाइल का पैनल निकलवाने गए हैं। अंकल बोल रहे थे पैनल निकलेगा तो उसका जैक लगेगा, वरना पैनल निकलने वगैरह नहीं लगेगा। पैनल निकलने की वजह से पैसे ही अंकल ज़्यादा मांग रहे थे, मोबाइल की वजह से इतनी कॉली करनी पड़ रही है, और उसके बाद घर जाके पेपर का याद भी करना है। उसका बैटरी का भी मसला था, चार्जिंग जैक भी ख़राब था, बैटरी ले लिया और इधर अब चार्जिंग जैक बचा है, वो भी अंकल लेने गए हैं। कौन सा मॉडल है? गाइस को फाइनली 3 घंटे खड़ी करके मोबाइल बनवा लिया, अब चलते हैं। फाइनली घर पहुँच चुके हैं, भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, घर जाके खाना खाते हैं, उसके बाद स्कूल का याद करना है। खाना आ चुका है, खाने में हमारे पास चावल, इसके साथ अचार और प्याज। तो खाना वगैरह हम लोगों ने खा लिया था, उसके बाद मैं सो गया था, नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो आज का दिन भी मेरा ज़्यादा ज़ाया हो गया। मैंने पेपर का एक अल्फाज याद नहीं किया, एक अल्फाज। आज मेरा केमिस्ट्री का पेपर था, कल उर्दू में, मैंने एक अल्फाज याद नहीं किया। अब कल का गैप है, कल जितना याद होगा करूँगा। सब से कम मैं आ चुका हूँ, बाहर गालों की आवाज़ बहुत आ रही थी, तो कैमरे ये रहा था कि टेंशन अब आप लोगों ने बिल्कुल नहीं रही है, कैमरा आपके भाई के हाथ में फिर आ गया, ब्लॉग अब आते रहेंगे। टेंशन आप लोगों को बिल्कुल नहीं लेनी है, आपका भाई पूरी कोशिश कर रहा है ताकि आप लोगों को ब्लॉग अच्छे से अच्छे मिले। तो इसी के साथ होपफुली आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कर दें, पहले जाके कर दो, कर दिया। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।